अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरियर टाउन कराची से। तो व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की ऑन साइड लोकेशन पर आए हैं जो बैरियर टाउन कराची में बनने वाला एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है, GM मॉल एंड लॉजिज। इसकी ऑन साइड लोकेशन पर हम आज मौजूद हैं, जो कि इकबाल कमर्शियल में है, प्रीसेंट 2 के कमर्शियल में। तो आज हमारे साथ PPL के सीनियर मोहम्मद सिद्दीक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो सिद्दीक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे रखे भी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिद्दीक भाई, आप बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो GM मॉल एंड लॉजिज की हम ऑन साइड लोकेशन पर हैं, तो हमारे व्यूवर्स को इसकी थोड़ी सी डिटेल बताएं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन और सराउंडिंग का बता दें, तो उसके बाद फिर आगे। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, बैरियर कराची के अंदर कोई भी न्यू डील आती है या न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होता है या जो भी अपडेट होती है, हम फर्दन वक्ता आपको अपडेट करते रहते हैं। तो आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लेके आए हैं, जो कि GMR एंड लॉजिक ने अपनी तरफ से एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो कि आप हमारे पीछे एलिवेशन देख रहे होंगे। बहुत ही माशाल्लाह इसका खूबसूरत एलिवेशन है। और सबसे पहले अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, तो ये प्रीसेंट 2 जो कि फुली पॉपुलेटेड है और बैरिया का सबसे पहले बनने वाला प्रीसेंट, जो कि बैरिया ने खुद ही बना के अपने विलास दिए थे। तो उसका ये इकबाल कमर्शियल प्लाट नंबर 3, 4, 13 और 14 होते हैं, चार प्लाट के ऊपर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट है। और मज़ीद अगर मैं इसकी सराउंडिंग की बात करूँ, तो इसके बिल्कुल आपको पीछे प्रीसेंट 2 मिलेगा, इसको बिल्कुल हमारे जो सामने हमें मिडवे ए और बी देखने को मिलेगा, और बिल्कुल इसके सामने जो है हमें मेन जिना एवेन्यू और मेन गेट जो है, इसका डिस्टेंस है तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस बनेगा। और इसकी सराउंडिंग में बिल्कुल सामने हमें जो है ना, जो बैरिया का हॉस्पिटल है वो देखने को मिलता है, और जो भी डांस हो गया, जिस तरह से कार्निवाल हो गया, जो भी इसके अंदर जो कि पॉपुलेटेड चीज़ें हैं बैरिया की, जो कि ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाती है, और इम्तियाज भी बिल्कुल इसके साथ है। तो मज़ीद अगर मैं इसके बिल्डर की बात करूँ जो इसको बनाने जा रहे हैं, तो ये 3 बिल्डर हैं जो इसको मिलकर बना रहे हैं। GM वाले हो गए, AY वाले हो गए, और चलो डायमंड होम वाले, ये तीनों बिल्डर जो कि अथेंटिक बिल्डर हैं। और इनके बिल्डर के अगर पीछे इनकी कैरियर की बात की जाए, तो जो GM वाले हैं इनके आप तकरीबन मेन जिला के ऊपर भी प्रोजेक्ट इनका वो ऑपरेशन हो चुका है। और सेम इस तरह अगर हम जाते हैं प्रीसेंट 19 की तरफ, तो वहाँ इनका एक प्रोजेक्ट जो कि इस वक्त फिनिशिंग ऊपर चल रहा है, और एक प्रोजेक्ट इनका 5 से 6 फ्लोर उसके बन चुके हैं। और AY जो बिल्डर है, ये हम जाते हैं जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, तो उसके बिल्कुल साथ जहाँ पे कबाब जी वाले अभी आए हुए हैं, तो उसके साथ इनका AY वालों का प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहाँ पे। और सेम इस तरह इनका वो शुरू हो चुका है, उनका काम हो रहा है, और काफ़ी सारे इनके प्रोजेक्ट और भी इस वक्त बन रहे हैं। और जो डायमंड होम वाले हैं, उनके प्रोजेक्ट जितना मेन जिना की जो कि बी साइड है, उसके ऊपर 3-4 प्रोजेक्ट अपने वो लॉन्च कर चुके हैं, और वो भी इस वक्त बन रहे हैं। किसी के 5 फ्लोर बन चुके हैं, किसी के 6 बन चुके हैं, और कोई इन्होंने अभी लॉन्च किया है। मतलब जो ये बिल्डर्स हैं तीनों ही, ये बैरिया के अथेंटिक बिल्डर्स हैं, जिनके प्रोजेक्ट बन भी चुके हैं, ऑपरेशनल्स भी हैं और ग्रे स्ट्रक्चर में भी हैं, जो तैयार भी हो रहे हैं इसके लिए। तो मज़ीद अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ, सोने के बाद जो मैंने बता दिया आपको, तो अगर हम इसके फ्लोर प्लान की बात करते हैं जी, तो सबसे पहले अगर हम इसकी बिल्डिंग की बात करें, तो ये बिल्डिंग डिस्क्रिप्शन है ग्राउंड प्लस 26 की टोटल बिल्डिंग है, और इसके नीचे 2 बेसिकली इसके लिए पार्किंग के लिए बेसमेंट दी हुई है, जिसके अंदर कोई 400 कार की पार्किंग कैपेसिटी है, जो कि इस तरह पीछे से होते हुए इसकी जो बैक की जानेब है, जो इकबाल विलाद है, उसी के जरिए ये नीचे आएंगी पार्किंग करेंगे। दोनों बेसमेंट जो है वो कार पार्किंग के लिए 400 कार की पार्किंग है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसके उन्होंने ज़्यादा चार्ज नहीं दिए। अच्छा सिद्दीक भाई, ये भी बैरिया में बहुत कम प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें फ्री जो पार्किंग दी हुई है। बिल्कुल, एक अभी डोलचे माल में था पहले, शायद वो पहला था, ये दूसरा है। ये दूसरा है, सेम इस तरह है। बाकी सारे चार्जेस, बाकी आप जो भी प्रोजेक्ट देखेंगे, चाहे अबुल कासिम, हालांकि अच्छा नाम है, वो भी अपने जो है ना पार्किंग के 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए वो ले रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर जो पार्किंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दी जा रही है। अच्छा, ये भी एक इनकी मुनफरिद बात है। इसके अलावा इस पे जो फ्लोर प्लान्स की बात है, कमर्शियल भी है और रेजिडेंशियल भी है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, थोड़ा आप पीछे होंगे, ये देखेंगे कैमरा मैन, ये वाले जो 3 हैं ये बिक चुके हैं, ये आप देखेंगे, ये हैबिट स्टार ने ले चुके हैं, और ये वाले जो 3 अवेलेबल हैं, और इसकी इस तरह से है, इसके जो नीचे लोअर ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड, ये एक शोरूम बना हुआ है। सही है, क्योंकि तकरीबन कोई 12,000 से 13,000 फुट का जाकर बनता है, एक ही शोरूम बना हुआ है, वो एक ही शोरूम एक ही बना हुआ है। और ये 3 बिक चुके हैं, 3 अभी अवेलेबल हैं, और इनकी भी बातचीत चल रही है, लेकिन इसके अंदर मैं उन व्यूअर को जो कि अपनी आउटलेट यहाँ ले कर आना चाहते हैं, दायरे के अंदर कोई भी इतने बड़े अभी तक आउटलेट जो कि नहीं आए अभी तक, और वो इसके अंदर अपनी आसानी के साथ बुकिंग भी करवा सकते हैं, और हमारा ये मशवरा होगा वो इसके अंदर लाजमी अपनी बुकिंग करवाएँ, क्योंकि ये जो लोकेशन है
काफ़ी एक्सपेंसिव लोकेशन है। जो रेट हमें मिल रहे हैं देखें 45,000 ग्राउंड के बहुत ही मुनासिब रेट मिल रहे हैं। सेम इसके सामने आप देखेंगे जो जिनाह जा रही है उसका 1,00,000 रुपये पर स्क्वायर फीट मिल रहा है और ये हमें अभी भी 45,000 पर स्क्वायर फीट दे रहे हैं। तो सिद्दीक भाई लोकेशन के हिसाब से इनके रेट्स बहुत अच्छे हैं फिर तो, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का शायद के इतना 45,000 स्क्वायर फीट बहुत कम प्रोजेक्ट है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। मिडवे में भी ज्यादा 50,000, वहाँ भी 50,000 है। अच्छा, दूसरा ये है कि मल्टीनेशनल कंपनीज, आप कह रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आ रही हैं, उन्होंने कुछ कंपनीज ने बुक भी कर ली हैं और कुछ अभी पाइपलाइन में है जिनसे बात चल रही है वो हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो फ्लोर हैं, मतलब ये आप ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड फ्लोर पर क्या है इसका फूड कोर्ट, क्या इन्होंने दिया है या नहीं दिया? राशि भाई देखें, इनका मैं ये बता रहा हूँ, जो लोअर ग्राउंड, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड, जो इसका सामने वाला होगा एरिया वो तो इसका माल का, लेकिन इसके पीछे छोटे साइज की शॉप अभी भी अवेलेबल है। मतलब छोटे साइज की भी है शॉप्स अवेलेबल हैं, लोअर ग्राउंड में भी हैं, ग्राउंड पे भी हैं, फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी। और जो इनका थर्ड फ्लोर दिया गया वो टोटल फूड कोर्ट दिया गया, और जिन्होंने फूड कोर्ट डिज़ाइन किया बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया है, और ये फूड आउटलेट जो भी इनके बनाए हुए हैं ये ओपन टू स्काई बैर बैठ के सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे भी, आप ले सकते हैं। ओपन सीटिंग भी है और अंदर भी सीटिंग बनाई हुई है इन्होंने। और जो इनका फोर्थ फ्लोर है वो अमेनिटीज दिए गए हैं, अच्छा, जिसके अंदर जिम दिए गए हैं, मेल जिम, फीमेल जिम, और दूसरा उनके साथ इन्होंने दिया है वो कम्युनिटी हॉल दिया है। और बाकी राशि भाई आप देखते हैं किसी ने भी अपना कोई इवेंट करना हो तो उसको कार्निवाल में जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी टिकट भी है, या उसको बाहर से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि काफ़ी प्रोसीजर करने के बाद उसको जाके जगह मिलती है। और सिद्दीक भाई कार्निवाल के अलावा मेरे ख्याल अभी फिलहाल है भी नहीं कोई भी नहीं है, तो दूसरा तो ये बनाने जा रहे हैं। हाँ जी, और दूसरा इसके अंदर जो भी इसके अंदर रेजिडेंशियल होंगे उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, इन्होंने अपना अंदर एक कम्युनिटी हॉल बनाया हुआ जो कि बहुत ही वसी है, ये अपने हर किस्म का अंदर इवेंट कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो इनका फिफ्थ और सिक्स फ्लोर है वो वेरी साइज के अपार्टमेंट है, स्पेशल साइज के, अभी तक बैरिया में नहीं दिए, क्योंकि अभी तक बैरिया में जो भी बिल्डर लॉन्च करता है वो ऊपर जाके एक फ्लोर या दो फ्लोर के ऊपर पेंट हाउस दे देता है, उसके अंदर स्विमिंग पूल मिलता है, लेकिन इस तरह हमें स्विमिंग पूल किसी भी देखने को नहीं मिला, इस बिल्डिंग में जो हमें देखने को मिल रहा है। इसके अंदर जो फिफ्थ और सिक्स फ्लोर है उसके अंदर 2 बेड और 3 बेड हैं, जो 3 बेड हैं वो के बहुत ही बड़े साइज़ के हैं, वेरियस साइज़ के हैं, और उनके अंदर इन्होंने अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल भी दिया हुआ है, और उनके रेट थोड़े जो नॉर्मल अपार्टमेंट हैं थोड़े ज़्यादा है। और जो इसका फिर 7 से लेकर 26 फ्लोर तक है वो इनके अपार्टमेंट हैं, तो जिसके अंदर जो कॉर्नर का अपार्टमेंट लेंगे उनका टाइम पॉइंट ज़्यादा होगा, सही, बुकिंग कैटेगरी का। बाकी जो इनके नॉर्मल होंगे उनका जो रेट है वो 10,500 रुपये पर स्क्वायर फीट रखा गया है। तो सिद्दीक भाई हम ये कह सकते हैं कि बैरिया टाउन कराची में बनने वाले ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें अपार्टमेंट के अंदर स्विमिंग पूल भी दिया गया है, बिल्कुल कम्युनिटी हॉल भी दिए गए हैं, और मतलब ये इसको हम कह सकते हैं ये मुनफरिद प्रोजेक्ट बन रहा है बैरिया टाउन में, इसके साथ का या इस तरह की फैसिलिटीज अभी तक यानी कि बैरिया टाउन में कोई और लॉन्च नहीं, बिल्कुल नहीं लॉन्च हुई। आप बाकी देखेंगे थोड़ा सा ये देखना, इसका जो उन्होंने माल है माल के ऊपर अपार्टमेंट नहीं है, माल के बाद उन्होंने ओपन शिकायत छोड़ा हुआ है, और जो अपार्टमेंट थोड़ा वो उसके पीछे उन्होंने करके बनाए हुए हैं। तो जैसे ये एलिवेशन देख रहे हैं हम, ये अपार्टमेंट्स जो हैं इनके सामने कोई शॉप्स वगैरह या कुछ नहीं है, ये इनका ओपन है सारा, यानी कि जिनाह का व्यू भी, कायद विलास का व्यू भी, इधर मिडवे का भी, ये सारा लोकेशन इसकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लोकेशन है। बाकी इस बिल्डर ने ये भी फैसिलिटी दी है, जिस तरह हम बुकिंग करवाते हैं जी, तो डिगिंग करते हैं, डिगिंग के बाद इसके रेट 2,000, 3,000, 2,500 रुपये जितना भी रिवाइज होते हैं, वो कहते हैं हमें जो निकाल के आगे इन्वेस्ट करना है, तो बिल्डर वापस नहीं रखता। इस बिल्डर ने ये फैसिलिटी दी है, अगर आप इसको बेचना चाहेंगे तो मैं जो इसका उस वक्त रेट होगा मैं उसी रेट के हिसाब से पीछे रखने के लिए तैयार हूँ, वो भी विद एग्रीमेंट अपना। मतलब रीसेल के लिए भी कोई टेंशन नहीं है कि अगर हम आज अपना अपार्टमेंट या अपना ऑफिस या शॉप बुक करते हैं और वो हम एक साल के बाद या कुछ देर के बाद अगर हम सेल करना चाहते हैं, रीसेल करना चाहते हैं, तो उसकी हमें टेंशन नहीं है, ये बिल्डर खुद ही उस टाइम की जो प्राइस होगी उसके मुताबिक रख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखेंगे एक साल का टाइम तो आप ज़्यादा बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं डिगेंगे इसके इंशाल्लाह 25 जनवरी से है, उसके बाद क्योंकि आप भी जानते हैं जब बैरे में डिगिंग होती है तो अपने रेट वो रिवाइज करते हैं, उसके बाद जो भी रेट्स होगा चाहे हमारा व्यूअर 25 के बाद बेचना भी चाहेगा जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो वो वहाँ पर बिल्डर अपने पास रखने के लिए रेडी है। कि अगर इसके आखिर बुकिंग की हम बात करें तो जो भी व्यूअर बुकिंग करवाना चाहते हैं, बाकी लोकेशन के हिसाब से जो इसके रेट्स आप चेक करेंगे बहुत ही मुनासिब रेट रखे गए हैं, और जो इसकी बुकिंग है 25% इसकी डाउन पेमेंट, 10% ऑन पोजेशन, 10% ऑन डिगिंग,
बाकी रिमेना जो 5500 का बचता है उसकी इन्होंने 48 मंथ्स इंस्टॉलमेंट बनाई हुई है, जो कि बहुत ही ईजी प्रोजेक्ट है, जो कि ईजी इंस्टॉलमेंट है, आप पे कर सकते हैं। और इसके अंदर 13 लाख रुपये की बुकिंग से लेकर आपकी तकरीबन कोई 4 से 5 करोड़ रुपये तक का बुकिंग आप करवा सकते हैं। इसके अंदर हर किस्म का बंदा, जो चाहे नौकरी पेशा बंदा है या छोटा बिजनेस मैन है, वो अपने इसके अंदर आसानी के साथ बुकिंग करवा सकता है, उसको कोई भी इशू नहीं होने वाला। सही, थैंक यू सदीक भाई, बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, जैसा कि सदीक भाई ने हमें GM मॉल एंड लॉजेस के बारे में डिटेल से सारी तफसीलात बताई, आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उन पर रابطہ कीजिए या PPL ऑफिस का विज़िट कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।